खबर रामपुर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। ये मर्डर मुझे शाम को जानकारी हुई, किटपिलाई रोड पे शिव बिहार जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, उसमें ये बोध श्याम जी रहते थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, हमारे सपोर्टर हैं। तो इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे दामाद को गोली मार दी। अब बात को पता चला, हम पहुंचे, हमने कहाँ हैं तो रास्ते पे घटना स्थल पे जा रहे थे, पता लगा हॉस्पिटल आ गए तो जिला अस्पताल आया, तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था। मेरठ रेफ़र किया, ये मुरादाबाद हॉस्पिटल ले गए, पता लगा फ़ोन पे बात हुई, डेथ हो गई। अब यहाँ मोरचरी में उसका शव आया। किसने मारा है इसको, किन कुछ अब किन लोगों ने मारा है? जो बता रहे थे कि मेरे दामाद हैं, तो पता लगा कि दामाद थे नहीं, दामाद होने वाले थे, कई रिश्ते की आपस में बात हो गई थी। जो मृतक है वो लड़का कोई ऑनलाइन कंपनी चलाता था, यहाँ कहीं ऑफिस था शाहबाद गेट के आसपास। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है, जल्दी खुलासा हो जाएगा। कितने लोगों ने हत्या की है कुछ मालूम है इसमें? अभी दो लोग बता रहे हैं, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कुछ पूछताछ की नहीं ले गया किसी को? अभी सस्पेक्टेड है थोड़ा सा।